हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं फाइव ऑफ कप्स एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो देखिए, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट के कार्ड को आप देख पा रहे हैं, इसमें एक रेनबो बना हुआ है, फैमिली है, एक घर भी है। और ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, सक्सेस अचीवमेंट्स की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन कैप्रिकॉर्न्स, कहीं आप इन सब चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ठीक नहीं चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ही उन पर फोकस कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कैप्रिकॉर्न्स की, जब हम नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं उन पे फोकस करते हैं, तो हम परेशान होते हैं और फिर इसी एनर्जी में हम वाइब्रेट करते हैं और यही हम अपनी लाइफ में क्रिएट भी करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न्स कि आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें। जो चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अच्छी चल रही हैं, आप अगेन उन पे फोकस करें, क्योंकि देखिए, जब आप उन पे फोकस करेंगे आप बेटर फील करेंगे, आप बेटर डिसीजंस लेंगे, बेटर चॉइसेस करेंगे और देखिए अपने प्रोफेशनल फ्रंट को भी आप और बेटर करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसा इंसान बताएं जिसकी लाइफ में कोई इशू, कोई मसला ही नहीं है, तो यकीन मानिए आप उस इंसान का नाम मुझे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं। और थोड़ा सा पॉज करके अगर आप यू नो लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग खुश हैं वो सिर्फ इसलिए खुश हैं क्योंकि जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं वो उन पे फोकस कर रहे हैं। और जो भी लोग परेशान हैं वो सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं वो उन पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें और ऐसा आप करेंगे तो इस वीक को आप बेटर कर पाएंगे और फ्यूचर भी अपना आप और बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं हार्टेक एंड लॉस एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चीज़ों से, लोगों से, किसी लेवल पे विड्रॉ करने की बात करता है। कहीं यू नो अगेन मैं कहूँगी कि एक इंट्रोस्पेक्टिव मूड में रहने की बात करता है, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा आराम भी करने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट किया और इसीलिए इस वीक आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकली आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, फोर ऑफ सोर्ड्स के नीचे हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद पीछे या फिर इस वीक किसी चीज़ को लेकर आप एक हर्ट, एक यू नो पेन महसूस कर रहे हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके का नुकसान आपका हो रहा है और इसीलिए आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा विड्रॉ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि इस टाइम पीरियड में आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो और इस टाइम को आप अपने आप को हील करने में ही यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है ना,
जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं और अकेले होते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम इन्हीं एनर्जीज में और डीप चले जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इन एनर्जीज से बाहर निकलना। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली भले ही आप अपने आप को ना इन्वॉल्व करें, लेकिन कोई एक फ्रेंड आपकी लाइफ में होगा या फिर कोई एक इंसान होगा जो आपको अंडरस्टैंड करता है, आप उससे ज़रूर बात करें, उससे ज़रूर डिस्कस करें। और देखिए, आपका फोकस ब्रॉडली स्पीकिंग होना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को इन एनर्जीज में से बाहर निकालें, क्योंकि फिर से देखिए, अगर आप एफर्ट करके अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे तो आप इतना डीप चले जाएंगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, मैंने इतनी बारी आपको कहा भी है, जब मसले और इश्यूज छोटे होते हैं उनको हम उसी टाइम पर ठीक कर लेते हैं तो हम उनको अपनी लाइफ में बड़ा होने से रोक लेते हैं, और इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कमिंग टुगेदर का कार्ड है, और ये कार्ड देखिए, जो भी आपके बॉन्ड्स हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप किसी लव्ड वन से बात ज़रूर करें, किसी लव्ड वन से इंटरेक्ट ज़रूर करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपकी वजह से ये हर्ट या फिर परेशानी हुई है तो इसको आप ठीक करें, और किसी की हेल्प, किसी का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, आप ज़रूर वो हेल्प, वो सपोर्ट लें। और जितना लविंगली, जितना कंपैशनेटली आप चीज़ों को डील करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।